इस क्लास में हम प्रीएम्बल को समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। प्रस्तावना को, प्रस्तावना है क्या, इसके बारे में सारा चीज़ आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के सबसे पहला दो पार्ट हम लोग को माइंड में आता है कि इसका जो स्रोत है वो क्या है और इसका आधार जो है ये क्या है, ठीक है। तो इसका जो स्रोत है, स्रोत मतलब ये कहाँ से लिया गया है, तो जो प्रस्तावना का जो स्रोत है वो उसका विचार जो आया था प्रस्तावना का वो लिया गया था यूएसए से, और जो उसका भाषा है प्रस्तावना का जो भाषा है वो लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये दोनों बातें याद रहेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि जो प्रस्तावना का जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना का विचार जो यदि पूछा जाए तो यूएसए से लिया गया, ठीक है। अब एक सवाल आता है हम लोग के मन में कि इसका जो आधार है यानी कि कहाँ से प्रस्तावना को डायरेक्ट उठा लिया गया, यानी कि उद्देशिका जो है उसको लिया कहाँ से गया, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। तो उसका जो आधार या बेस जो है वो है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है, वही हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, उसी से हमारा जो प्रस्तावना का निर्माण हुआ है उसी उद्देश्य प्रस्ताव से जरिए हुआ है, यानी कि उसी को आधार मान के हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू इनको लाए थे उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। इसको पारित कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को, और इसी दिन जो है मोहनलाल सक्सेना, ठीक है, मोहनलाल सक्सेना जो है इसे उर्दू में अनुवाद किया था, उर्दू में अनुवाद किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा स्वीकार, संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया था 17 अक्टूबर यानी कि प्रस्तावना को, ठीक है। इसका उद्देश्य प्रस्ताव नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव 22 को स्वीकार कर लिया गया था, प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा, तो वो है स्वीकार किया गया 17 अक्टूबर 1949 को, ठीक है, 17 अक्टूबर 1949, ये डेट आपको याद रखनी है, 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। अब इसको लागू कब किया गया, तो इसको जब लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को, हम लोग सभी को पता है संविधान जो पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन प्रस्तावना भी लागू हुआ था, ठीक है। प्रस्तावना जो है, पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो पूरी प्रस्तावना में जो है भारत शब्द का जो उल्लेख है, भारत शब्द का जो उल्लेख है वो है हमारी 2 बार, ठीक है, 2 बार। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संविधान जो है, संविधान की जो बुक है उसे देखने पर हमें क्या मालूम पड़ता है कि मतलब संविधान की बुक को किस तरह से अरेंज किया गया है, तो सबसे पहले उसमें प्रस्तावना मिलेगी आपको, उसके बाद मिलेगा 1 से 395 तक, उससे टोटल जो अनुच्छेद 395 वो मिलेंगी, फिर मिलेंगी अनुसूचियाँ, उसमें जितनी भी अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियों के बारे में मिलेगी, फिर परिशिष्ट मिलेगी, ठीक है। ये हो गया संविधान की बुक के बारे में कि मतलब किस टाइप से कैसा करके उसको रखा, कैसे करके अरेंज किया गया, पहले प्रस्तावना, फिर अनुच्छेद, फिर अनुसूचियाँ, फिर परिशिष्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे प्रस्तावना के बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। तो देखिए, दो केस के बारे में जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो देखिए, सबसे पहला है बेरुवारी बात, ठीक है, बेरुवारी बात जो 1960 में हुआ था, इसमें क्या बोला था, इसमें जो संविधान जो कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें फैसला आया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, और इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये 2 पार्ट आया था उसमें, क्या आया था, पहला जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, दूसरा इसमें संशोधन नहीं हो सकता, इसमें संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। और जो सेकंड केस था, केशवानंद भारती वाला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, क्या हुआ था 1973, बहुत फेमस केस है, इसको तो सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो फैसला आया था, इसमें फैसले के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला जो फैसला आया था वो था प्रस्तावना संविधान का भाग है, बेरुवारी वाद में आया था, बेरुवारी वाद में आया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसमें जो आया था वो था कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग है। उसके बाद सेकंड जो आया था, इसमें संशोधन किया जा सकता है, जबकि बेरुवारी वाद में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें आया था संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद यह जो है संविधान का आंतरिक भाग है, ठीक है, यानी कि जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक भाग है। ये 3 फैसला मुख्यतः आए थे किसमें, केशवानंद भारती केस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन सकता है एग्जाम में कि प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। अब इसमें देखिए, इसमें भी उसका कन्फ्यूजन करता है, तो 1976 में जो है संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन जो लागू हुआ था वो हुआ था 1977 में, ठीक है। तो ऑप्शन में जो भी देगा उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना, यदि दोनों रहे तो 1977 मारना है, यदि एक ही रहे तो फिर जो रहे उसी को मारना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रस्तावना में जो एक बार संशोधन हुआ था उसमें क्या किया गया था, मतलब क्या जोड़ा गया था, तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से शब्द थे, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे किसमें, प्रस्तावना में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है जो इसमें प्रस्तावना जो लिया गया है वो क्या है, हम भारत के लोग, इसमें जो लोग है, नागरिक है, व्यक्ति है, ठीक है, ये 3 शब्द का उल्लेख है, लेकिन जनता शब्द का उल्लेख नहीं है, ये भी याद रखना आपको। जैसे डायरेक्ट ऑप्शन में दे देते कि इसमें से किस शब्द का उल्लेख भारत प्रस्तावना में नहीं, भारत के प्रस्तावना में नहीं है, तो फिर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि लोग का है, हाँ लोग है, नागरिक है, हाँ नागरिक है, व्यक्ति है, हाँ व्यक्ति है, जनता नहीं, जनता नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि पब्लिक जो है जनता ये नहीं है, प्रस्तावना में कहीं भी पब्लिक या जनता शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रस्तावना जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें मूलतः हमको क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, वो चीज़ हम लोग को जो जो देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, और उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। पहला चीज़ है संविधान का स्रोत,
स्रोत, यानी कि संविधान का जो स्रोत है वो क्या क्या है, ठीक है, संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है, दूसरा, तीसरा है गया संविधान के उद्देश्य क्या है, ये तीन चीज़ हमको पता चलता है। चौथा है संविधान के जो लागू होने का जो तिथि है वो भी इसी से पता चल जाते हैं हमें, ठीक है। तो चार चीज़ें पता चलती, पहला क्या संविधान का स्रोत, दूसरा संविधान का स्वरूप, तीसरा संविधान के उद्देश्य, और चौथा संविधान लागू होने की तिथि, ठीक। तो चलिए थोड़ा पहले प्रस्तावना देख लेते हैं कि प्रस्तावना में लिखा क्या हुआ है, उसके बाद हम लोग ये चारों के पॉइंट के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए प्रस्तावना, यह है उद्देश्य का आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवाद 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। तो अब आगे बढ़ते हैं, उन चार पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला है संविधान के स्रोत क्या है, ठीक है, संविधान के स्रोत क्या है। तो हम भारत के लोग जैसे शब्दों का उल्लेख इसमें है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे शुरुआत में, हम भारत के लोग, इस शब्दावली से दो बातें स्पष्ट होती है, क्या क्या होती है। तो पहला जो है संविधान का निर्माण जो भारत की जनता के लिए, भारत की जनता ने किया है। दूसरा, भारत में जनता सर्वोच्च है, भारत में जनता सर्वोच्च, ये दो बात हम लोग को समझ में आता, ठीक है। अब देखिए नानी पढ़के वाला का एक बुक है, वो बहुत फेमस है, उसका याद रखिएगा, बुक के नौथर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कौन लिखा था, नानी पालकी वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है सरकार का जो स्वरूप है, पहला पॉइंट डिस्कस हो गया, दूसरा पॉइंट देखते हैं सरकार का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो सरकार का स्वरूप है प्रभु संपन्न, ठीक है, प्रभु संपन्न मतलब क्या होता है, तो भारत जो है स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है, अर्थात आंतरिक बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपना निर्णय खुद लेता है, ठीक है। अब सेकंड देखता हूँ, सेकंड है समाजवादी था साधु, ठीक है, समाजवादी जो है सरकार के स्वरूप है समाजवादी है, कैसे समाजवादी, तो संसाधनों पर, ठीक है, संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा, पहला बात। दूसरा क्या, यह शब्द जो है मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान का भाग नहीं था समाजवादी, तो इसको कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि जो 1991 में LPG जो पॉलिसी लागू हुआ था उसके बाद से जो है समाजवादी जो शब्द है वो थोड़ा अप्रासंगिक हो रहा है, यानी कि इरेलेवेंट हो रहा है, मतलब वो थोड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है हम लोग को समाजवादी शब्द, ठीक है। उसका उसी के कारण हम लोग इसको बोलते हैं कि राज्य की भूमिका कम होने लगी है, राज्य की भूमिका कम होने लगी है, यानी सरकार की भूमिका कम होने लगी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस नीति को बोलते हैं नीति, या फिर इस जो स्टेट है इस स्टेट को बोलते हैं रोल बैक ऑफ स्टेट, इसको बोलते हैं राज्य पश्चिमगमन, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं पंथ निरपेक्ष, इसका भी जो है हम लोग का मूल संविधान में, इसका मूल संविधान यानी कि मूल प्रस्तावना में भी इसका जिक्र नहीं था, ठीक है, पंथ निरपेक्ष का। तो पंथ निरपेक्ष मतलब होता क्या है, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्म एक समान है, ठीक है, राज्य किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगा, सरकार सभी पंथ के साथ समान व्यवहार करेगा, ठीक है, इधर समझ में आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, मूल संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं था, इसको कब जोड़ा गया, 42वां संशोधन में, ठीक है। अब देखिए बिजेश्वर प्रसाद ने पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, कब रखा था, 1949 में जब लागू नहीं हुआ था प्रस्ताव, उस टाइम ही रखा था बिजेश्वर प्रसाद ने, लेकिन उस टाइम उसको बात को नकार दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 25 जो है एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसमें इस शब्द का उल्लेख है, ये भी याद रखना आपको, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, ये शब्द जो है पंथ निरपेक्ष, इसका उल्लेख एकमात्र आपका अनुच्छेद जिसमें उल्लेख है वो है अनुच्छेद 25, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी मतलब होता क्या है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यही हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक है, ठीक है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब देखिए नोट करके जो है उसको पढ़ लेते हैं, यहाँ हमेशा मत द्वारा ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, ठीक है, भारत में कभी भी सेना पलट नहीं करता, जैसे पाकिस्तान में हो जाता है, म्यांमार में हो जाता है, उस टाइप का यहाँ अभी तक नहीं हुआ ना होगा, होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। तो यहाँ हमेशा मत द्वारा ही सत्ता परिवर्तन होता है, ठीक। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के साथ ही भारत में वयस्क मताधिकार है, ठीक है, वयस्क मताधिकार मतलब क्या हुआ, एक उम्र के बाद आप दे सकते हैं वोट किसी को भी, अपने लिए अपना मतलब जो शासन करता है उसको चुन सकते हैं, वो चीज़ हो गया वयस्क मताधिकार, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को
संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया और इन संस्थाओं में प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 73वां हो गया पंचायती राज, ये हो गया नगर पालिका 74वां। तो इसके द्वारा भी हम लोग पता चलता है कि मतलब जो है लोकतंत्र लोक को यानी कि जो जनता है भारत की जनता को कितना इन्वॉल्व किया जा रहा है, मतलब कितना ज़्यादा उसके बारे में सोचा जा रहा है। सब जनता ही अपने लिए जो शासन करता है उसको चुनते हैं। ठीक, नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट पॉइंट है गणराज्य। गणराज्य जो शब्द है उसका मतलब तो पता ही है, पहले पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है, इसका नॉर्मल सा यही मतलब है। ठीक, और कब से है भारत गणराज्य, तो 26 जनवरी 1950 से, जब से संविधान लागू हुआ। ठीक, जहाँ लोकतंत्र हो वहाँ गणराज्य होगा, यह आवश्यक नहीं है, ये भी याद रखना आपको, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है वो जरूरी नहीं कि रिपब्लिक हो। ठीक, नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट है संविधान का उद्देश्य क्या है। तीसरा पॉइंट है, दो पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में है संविधान का उद्देश्य क्या है, तो संविधान के मुख्यतः 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो न्यायिक उद्देश्य, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। ठीक है, तो न्याय में 3 प्रकार का न्याय हम लोग को पढ़ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है। स्वतंत्रता में 5 प्रकार स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और अवसर समानता में जो है अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, और बंधुत्व से बंधुत्व पढ़ना, इतनी चीज़ हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं न्याय से। न्याय में क्या है, न्याय में 3 न्याय पढ़ना है। तो पहला जो न्याय है वह सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय मतलब समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है, आर्थिक न्याय मतलब अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना रोजगार का अवसर मिले। ठीक है, आर्थिक न्याय हो गया। राजनीतिक न्याय मतलब क्या, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को शासन में भागीदारी का अवसर मिले। ठीक है, ये तीन हो गया समझ में आगे। नेक्स्ट आते हैं, बी आर अम्बेडकर को सामाजिक और आर्थिक न्याय का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक न्याय का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक, अब नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता मुख्यतः हम लोग को दी गई है। नेक्स्ट आते हैं, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है का उसका उल्लेख जो प्रस्तावना के साथ साथ अनुच्छेद 19(1)(a) में है, यानी कि 19(a)(a)(a) में है। ठीक है, ये याद रखना है, 19(1)(a) में है इसका विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख। ठीक है, 19(1)(a) में भी है। नेक्स्ट आता है समानता। समता क्या होता है, समता मतलब 2 प्रकार का समता दिया हुआ, एक तो प्रतिष्ठा है यानी कि स्टेटस, और दूसरा अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी। तो इक्विटी 2 प्रकार का दिया हुआ, एक तो स्टेटस इक्विटी और एक अपॉर्चुनिटी इक्विटी। अब अवसर जो है, अवसर का जो उल्लेख है, अवसर का समता, प्रतिष्ठा का बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ इसका अवसर का। ठीक है, अवसर का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 39 में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको अलग से पूछ सकता है कि प्रस्तावना में जो हम लोग के पास अवसर शब्द का जो उल्लेख है, यानी कि अवसर समानता का जो उल्लेख है, उसका उल्लेख अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में और एक बार किया हुआ है, यानी कि 1916 में भी है और एक अनुच्छेद 39 में भी है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बंधुत्व। बंधुत्व में क्या हम लोग को पढ़ना है, तो बंधुत्व में हमें सभी लोग जो है, सभी लोग मानव को मानव के रूप में समझें। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एक मानव दूसरे को हीन भावना से देखे, उससे लड़े, वो मेरे ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे, ये सब नहीं है। सभी लोग जो है मानव को मानव की तरह ही ट्रीट करें, ऐसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एडॉप्ट है, कुछ कुछ वर्ड है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई टेंशन नहीं, पढ़ लेते हैं। अंगीकृत, अंगीकृत मतलब क्या था, संविधान को स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार करना हो गया अंगीकृत। अधिनियमित मतलब हो गया संविधान को लागू करना, और आत्मार्पित मतलब हो गया कि स्वयं को संविधान सौंपना। ठीक है, ये 3 चीज़ मैंने क्यों यहाँ बताया, क्योंकि जब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो प्रस्तावना पढ़ा था, थोड़ी देर पहले जो प्रस्तावना हम लोग पढ़े थे, यहाँ दिखाता हूँ मैं, जो प्रस्तावना हमने पढ़ा था उसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है, अंगीकृत शब्द है, अधिनियमित है और आत्मार्पित, ये 3 शब्द का उल्लेख है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये 3 शब्द का मतलब क्या है, इसलिए मैंने ये बताया आपको। ठीक, 3 शब्द का मतलब समझ में आ गया। अब नहीं देखते हैं प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़ने का सुझाव भी दिया गया था, तो कौन कौन सा सुझाव था, देखिए शिवन लाल सक्सेना जो है, शिवन लाल सक्सेना उसको बोल रहे थे कि महात्मा गांधी शब्द को जोड़ा जाना चाहिए, एस बी कामत जो बोल रहे थे ईश्वर शब्द को जोड़ा जाना चाहिए, और रोहिणी कुमार चौधरी जो है वो बोल रहे थे देवी शब्द को जोड़ा जाना चाहिए, किसमें प्रस्तावना में। ठीक है, अब प्रस्तावना के बारे में कोई चीज़ टिप्पणी भी किया था, बहुत कहे ना अपना अपना जो वाक्य रखते हैं वो सब किया है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या टिप्पणी किया था। ठीक है, तो पहला टिप्पणी है ठाकुरदास भार्गव, ये बोला था कि संविधान का जो संपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जो है वही आपका प्रस्तावना है। ठीक है, संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना, ये कौन बोला था, ठाकुरदास भार्गव, संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना है वो बोला था ठाकुरदास भार्गव ने, संविधान का आभूषण है ये भी बोला था ठाकुरदास भार्गव ने। के एम मुंशी क्या बोला था, के एम मुंशी जो बोले थे वो बोले थे प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म कुंडली है, संविधान की जन्म कुंडली है कौन, प्रस्तावना, ये किसने कहा था, तो ये के एम मुंशी ने कहा था। नानी पालकी वाला, नानी पालकी वाला ने क्या था, कहा था कि संविधान का जो परिचय पत्र है वो आपका कौन है, प्रस्तावना है। ठीक है, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना है। नेक्स्ट आते हैं अनिष्ट बारकर, अनिष्ट बारकर क्या बोला, संविधान की कुंजी नोट है। ठीक है, संविधान की कुंजी नोट है कौन है, प्रस्तावना, संविधान की कुंजी नोट है, किसने कहा था, तो अनिष्ट बारकर। ठीक, नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट है आज के लिए, प्रस्तावना को पूरे संविधान लागू होने के बाद लागू किया गया, ये भी आपको याद रखना कि प्रस्तावना संविधान के साथ नहीं लागू किया था, उसके लागू होने के बाद लागू किया गया था। ठीक है, आज के क्लास में इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।